हेलो स्टूडेंट्स, टेली प्राइम 4.0 की यूट्यूब की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में अगर हमारी कंपनी जीएसटी टैक्स, टीडीएस टैक्स या टीसीएस टैक्स के अलावा गवर्नमेंट का किसी भी प्रकार का टैक्स अगर हम लेट डिपॉजिट कराते हैं तब हमारी कंपनी पर इंटरेस्ट की भी लाइबिलिटी बनती है, या फिर हम जीएसटी रिटर्न, टीडीएस रिटर्न या कोई टीसीएस रिटर्न अगर हम लेट फाइल करते हैं तब हमारी कंपनी पे लेट फीस की भी लायबिलिटी बनती है, या किसी कारणवश कोई पेनल्टी भी लग सकती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो हमारा इंटरेस्ट है या लेट फीस है या पेनल्टी है, तो उन सब की एंट्री हम टैली सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से करते हैं, कितने हमें लेजर क्रिएट करने पड़ेंगे और उन लेजर का हम ग्रुप सिलेक्शन क्या रखेंगे, तो ये सारी बातें आज की इस क्लास में हम आपके साथ प्रैक्टिकल शेयर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना जो स्टूडेंट्स अकाउंट्स को प्रैक्टिकल तरीके से सीखना चाहते हैं। और वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर इसी टाइप की नई नई वीडियो लगातार मिलती रहेगी। तो शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। तो स्टूडेंट्स, टैली सॉफ्टवेयर में हमारी कंपनी ओपन है और सबसे पहले हम एक बार हमारी कंपनी के जीएसटी के टैक्स के लेजर को ओपन करते हैं, यानी कि सीजीएसटी टैक्स, एसजी टैक्स या फिर आईजीएसटी टैक्स। तो किसी भी लेजर को हम ओपन करने के लिए डिस्प्ले पर चलते हैं, अकाउंट्स बुक पर और लेजर पर चलते हैं। यहाँ पर मैंने सीजीएसटी टैक्स का लेजर ओपन किया और F2 से मैंने एक बार इसको सारा डाटा ओपन कर दिया। और यहाँ से अगर हम देखें तो हमारी 43,364 रुपये की, यानी कि 363 रुपये 31 पैसे, यानी कि 364 हम राउंड फिगर में मानते हुए इसकी लाइबिलिटी ये मानते हैं। और सेम ये हमारा एसजीटी टैक्स भी होगा। अब मान लीजिए ये हमारा जो टैक्स है ये हमारा लाइबिलिटी है, अब हमें इसको डिपॉजिट कराना है, लेकिन हमने लेट डिपॉजिट कराया तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो अगर हम टैक्स की बात करें तो जैसे जीएसटी टैक्स का हमारा इस तरीके का चलान होता है, तो जो हमारा मेन टैक्स की जो अमाउंट है वो टैक्स की अमाउंट आएगी, अगर सीजीएसटी है तो इस कॉलम में, एसजीएसटी है तो इस कॉलम में, या फिर कोई आईजीएसटी है तो वो आपका इस कॉलम में। इसके साथ साथ आप देख सकते हो ऊपर कुछ कॉलम बने हुए हैं, इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, फीस है या अदर है। तो अब हम मेन टैक्स की यहाँ पर हम बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट की, पेनल्टी या फिर लेट फीस की। तो इसकी एंट्री हमें किस तरीके से करनी है, मान लीजिए हमने ये जो टैक्स डिपॉजिट हमने कराया है इस टैक्स के साथ साथ हमने 500 रुपए की टैक्स भी हमने ब्याज के रूप में भी जमा कराया है, इंटरेस्ट के रूप में। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट का एक अलग से लेजर क्रिएट करेंगे, पेमेंट हमारी एंट्री जो हमारी पेमेंट में रहने वाली है, जिस भी तारीख को आप एंट्री करोगे वो डेट यहाँ पर आपको डालनी है, ठीक है। उसके बाद में वाई को हम यानी कि सीजीएसटी टैक्स, तो यहाँ देख सकते हो हमारी 43,363 रुपये, तो हम राउंड फिगर इसको 364 रुपये कर देंगे। इसी तरीके से हमारा एसजीटी टैक्स रहेगा 43,364 रुपये। और अब हमें इंटरेस्ट भी हमने पे किया है तो हम यहाँ पर वापस फिर बाई करेंगे और यहाँ पर हम एक लेजर क्रिएट करेंगे जीएसटी लेट इंटरेस्ट के नाम से, ताकि हमें पता रहे। और अब यह एक तरीके से देखा जाए तो हमारी कंपनी का एक्सपेंसेस यानी कि खर्चा हो रहा है, लेकिन अब इसे में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इसको ले जा नहीं सकते, तो इसको हम एडजस्ट करते हैं लास्ट में बुक्स फाइनलाइजेशन के टाइम में कैपिटल अकाउंट में, तो हम इसको एज ए कैपिटल अकाउंट में रखेंगे। एंटर प्रेस करते हैं, हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब अगर आप अलग अलग टैक्स मेंटेन करना चाहते हो इंटरेस्ट का, भी आपने सेंटर का ब्याज कितना दिया है या फिर स्टेट का टैक्स डिपॉजिट आपने कितना दिया है, तो आप अलग अलग लेजर भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि एसजीएसटी लेट इंटरेस्ट या सीजीएसटी लेट इंटरेस्ट। अब आपने टोटल 1,000 रुपये यानी कि दोनों साइड का 500 रुपये आपने इंटरेस्ट है जो जमा कराया है, तो हम इसको वन टाइम 1,000 रुपये यहाँ पर डेबिट करेंगे और हम उस बैंक को यहाँ पे क्रेडिट करेंगे जिस बैंक के थ्रू हमने इसको जमा कराया है। बैंक आपके पास में कोई भी हो सकता है, जैसे मैंने मेन की बैंक ऑफ इंडिया। इंटरप्रेस करते हैं हम इसको, यहाँ पर डिटेल हम लिख सकते हैं भी हमने कौन से मंथ का जमा कराया है, कौन से पीरियड का हमने जमा कराया है, तो वो सारी डिटेल यहाँ पर नरेशन के अंदर मैंशन कर सकते हैं, इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो ये तो था हमारा जीएसटी का अगर हम लेट इंटरेस्ट जमा करते हैं। तो सेम प्रोसेस अगर आपने कोई लेट फीस भी जमा कराई है, तो जहां हमने इंटरेस्ट का लेजर जो सेलेक्ट किया था, यहां पर जो जीएसटी लेट इंटरेस्ट के नाम से हमने जो लेजर क्रिएट किया था, यहां पर आपका जीएसटी लेट फीस के नाम से इंटरेस्ट
लेजर क्रिएट हो जाएगा, या फिर अगर आपने कोई पेनल्टी जमा कराई है तो जीएसटी लेट पेनल्टी के नाम से आप लेजर क्रिएट कर सकते हो। ट्रांसफर हमें कैपिटल अकाउंट में ही करना होता है, तो आप इसका पहले ही कैपिटल अकाउंट है जो आप इसका ग्रुप रख सकते हो। अगर आप पहले इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रखोगे तो बाद में आपको बुक्स फाइनलाइजेस के लिए यानी कि ऑडिट के टाइम के अंदर इसको कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। तो इससे पहले आप इसको पहले ही कैपिटल अकाउंट के अंदर आप रख सकते हो। सेम इसी तरीके से अगर हम बात करें इनकम टैक्स की टीडीएस के रूप में, टीडीएस या फिर टीसीएस के चलान, तो सेम प्रोसेस आपको यहां पर भी दिखाई देगा। यहां पर आपका मेन टैक्स कितना है, सरचार्ज कितना है, एजुकेशन सेस कितना है, इंटरेस्ट कितना है, पेनल्टी कितनी है, टोटल आपका कितना है। तो यानी कि हमें कोई भी लेट अगर हमें गवर्नमेंट का टैक्स हम डिपॉजिट कराते हैं तो हमें इंटरेस्ट पेनल्टी लेट भी ये सब कुछ है जो पे करना ही होता है। तो वो हमें टोटल टैक्स के अमाउंट के साथ ऐड नहीं करना होता, बल्कि उसकी अमाउंट हमें अलग से सॉफ्टवेयर के अंदर मेंटेन करनी होती है हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। आई होप कि इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि हमें किस तरीके से एक अलग लेजर क्रिएट करके, ऐसा नहीं है कि हमने जो टोटल अमाउंट हमने 87,728 रुपये की जमा कराई है तो हमें इसको डिवाइड करके आधा आधा इन दो टैक्स के अंदर डिवाइड कर दें, ऐसा नहीं होगा। आपको टैक्स की अमाउंट अलग सेपरेट दिखानी है और जो भी आपने लेट फीस इंटरेस्ट या पेनल्टी आपने जमा कराई है तो वो अमाउंट आपको अलग से मेंशन करनी होती है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई, नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक जरूर करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी जरूर कर लेना।